हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ, जो कि हेमलता जी ने मुझसे पूछा था कि बेबी की स्कर्ट बनाना बताइए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसका मेज़रमेंट। ये स्कर्ट मैं दो पीस में बना रही हूँ। इसमें मैंने नीचे फंदे डाले हैं 94 के मल्टीपल प्लस 6 फंदे मैंने नीचे डाले हैं। इसमें मैंने कोई बॉर्डर नहीं बनाया है, नीचे से ही मैंने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है। ये एक पीस मेरा बनके तैयार हो गया है। 23 सेंटीमीटर तक मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 75 फंदे घटा के 75 फंदे रखे हैं। 4-5 फंदों के बाद मैं एक एक फंदा घटाती गई हूँ। और उसके बाद मैंने ये ऊपर प्लेन बुना है। इसमें ये मैंने इसलिए जाली डाली है कि मैं इसमें डोरी डालूँगी। अगर आप ना डालना चाहें, इलास्टिक डालना चाहें, तो ये जाली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने 2-2.5 इंच तक आपने ये ऊपर प्लेन बुनना है, ताकि इसको फोल्ड करके हम इलास्टिक डाल सकें। इस तरह ये वाला पीस मेरा बनके तैयार हो गया है। अब ये मेरा सेकंड पीस है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ, और इसका डिज़ाइन मैं बाद में बताऊँगी। पहले मैं इस पीस को कम्प्लीट कर लूँ, उसके बाद आपको डिज़ाइन बताती हूँ। ये स्कर्ट मेरी बन के कम्प्लीट हो गई है, जो कि ऐसी बनी है। अब आपको डोरी के बारे में बताती हूँ। इसमें मैंने 28 इंच की 2 डोरियां बनाई हैं। 28 इंच की मैंने 2 डोरियां बनाई हैं। एक डोरी मैंने सेफ्टी पिन से इधर से डालते हुए पूरा इधर ले आई हूँ मैं, और दूसरी डोरी मैं इधर से स्टार्ट करा, ऐसे करते करते मैं इधर ले आई हूँ। इस तरह मैंने 2 डोरी बनाई है। इसको ऐसे खींचेंगे तो ऐसे छोटा हो जाएगा। ये स्कर्ट आप 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को आराम से पहना सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, और आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं और डोरी भी डाल सकते हैं, जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। मैंने ये 2 पीस में बनाया है, आप चाहें तो 1 पीस में भी बना सकते हैं। इसको फिर मैंने इधर से सिलाई कर दी है, ये सिलाई करी है और इधर से ये सिलाई करी है। ऊपर फिर मैंने अंदर फोल्ड किया है, ताकि इसमें इलास्टिक डाल सकें। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन जो कि मैंने स्कर्ट में डाला हुआ है। इसमें मैंने 30 फंदे डाले हुए हैं, 8 के मल्टीपल प्लस 6, ऐसे करके मैंने इसमें फंदे डाले हुए हैं। सबसे पहले हम शुरू के जो 6 फंदे हैं, ये उल्टे बुनेंगे। नीचे से हमने ऐसे ही शुरू करना है, 6 फंदे उल्टे। और बीच में फंदा धागे को उधर किया, और 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। पाँच, 6, 7, 8। अब धागा अपनी तरफ किया, 8 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। बीच में हमारे सारे 8-8 फंदे ही आएंगे, 8 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे, 6, 7 और 8। धागे को पीछे किया, वो 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। इस तरह 4 लाइनों में ये डिज़ाइन चलेगा ऐसे ही। अब ये बैक साइड है हमारी, दूसरी लाइन। ये दूसरी लाइन है, इसमें क्या करना है, हमने जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। ये फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बुनने हैं, ये सीधे दिख रहे हैं तो सीधे बुनने हैं। 8 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। धागे को पीछे किया, अब 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। बीच में हमारे 8-8 फंदे ही चलेंगे, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। धागे को अपनी तरफ किया, फिर 8 फंदे हमने उल्टे बुने, 1, 2, 3, 4, 5, 6
सात और आठ धागे को पीछे किया। अब ये फंदे हमने सीधे बुनने हैं, दो तीन चार पाँच छः। अब ये तीसरी लाइन, तीसरी लाइन भी हमने पहले लाइन की तरह बुनना है। हमने छः फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, तीन चार पाँच और छः। अब आठ फंदे हमने सीधे बुनने हैं। सात और ये आठ, धागे को अपनी तरफ किया। अब आठ फंदे हमने फिर उल्टे बुनने हैं, दो तीन चार पाँच छः सात आठ। धागे को पीछे किया, फिर आठ फंदे हमने सीधे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ। ये हमारी तीसरी लाइन है। अब चौथी लाइन, चौथी लाइन हमने दूसरी लाइन की तरह बुनना है। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। अभी आठ फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, एक तीन चार पाँच छ सात आठ। ये धागे को पीछे किया, आठ फंदे हमने सीधे बुनने हैं जैसे दिख रहे हैं। ऐसे हम पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद आगे की जो चार लाइनें बुननी हैं, बीच में तो सेम ही रहेगा, पर स्टार्टिंग में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। पहले हमने छः फंदे उल्टे बुने थे, अब हम आठ फंदे सीधे बुनेंगे। अब आठ फंदे हमने सीधे बुनने हैं, दो तीन चार पाँच छः सात आठ। धागे को अपनी तरफ किया, अब सीधे के ऊपर उल्टा बुनना है हमने। अब आठ फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। धागे को पीछे किया, अब आठ फंदे हमने सीधे बुनने हैं, उल्टे के ऊपर सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। धागे को अपनी तरफ किया, बाकी फंदे हमने उल्टे बुन लिए। बस स्टार्टिंग में हमें ध्यान रखना है, एक बार छः फंदे बुनने हैं और एक बार आठ। इस तरह हमारा पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। अब ये सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन में हमने क्या करना है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनने हैं। अब हम ये सीधे दिखाई दे रहे हैं, दो तीन चार पाँच और छः। धागे को अपनी तरफ किया, अब आठ फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ। धागे को पीछे किया, अब आठ फंदे हमने सीधे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। धागे को अपनी तरफ किया, आठ फंदे हमने उल्टे बुने,
हर चार लाइनों के बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे। हर चार लाइनों के बाद बस ये ध्यान रखना है, ये हमने छह फंदे उल्टे बुने थे और अगली बार आठ फंदे सीधे बुनेंगे। तीसरी लाइन है, हर चार लाइनों के बाद चेंज करना है। इस तरह ये आठ फंदे हमने सीधे बुन लिए, धागे को अपनी तरफ किया और आठ फंदे हमने उल्टे बुन लिए। धागे को पीछे किया और आठ फंदे हमने सीधे बुने। पाँच, छः, सात और आठ, धागे को अपनी तरफ किया, बाकी फंदे हमने उल्टे बुन लिए। बहुत आसान डिज़ाइन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये चौथी रो है, चौथी रो में भी हमने ऐसे ही करना है, जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं सीधे वाले सीधे की तरह बुनना है और उल्टे फंदे की तरह बुनना है। धागे को अपनी तरफ किया, आठ फंदे हमने उल्टे बुने, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। धागे को पीछे किया, आठ फंदे हमने सीधे बुने, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। धागे को अपनी तरफ किया, आठ फंदे हमने उल्टे बुने। इस तरह ये डिज़ाइन बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह ये डिज़ाइन बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। अब डिज़ाइन में एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, ये मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे छः उल्टे, यहाँ से स्टार्ट किया था छः उल्टे, बीच में आठ आठ हमारे सारे फंदे गए हैं, छः उल्टे आठ सीधे, आठ उल्टे और आठ सीधे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, अगले चार लाइनों में क्या करना है, हमने आठ फंदे हमने सीधे बुनने हैं, बस ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, आठ फंदे सीधे, आठ उल्टे, आठ सीधे और जो बाकी लास्ट में इधर छः बचते हैं। अगर हम आठ से शुरू करेंगे तो इधर छः बचेंगे और छः से शुरू करेंगे तो इधर हमारे आठ बचेंगे। ऐसे ही हमने पूरा करना है, ये छः, एक बार छः से स्टार्ट करना है, छः उल्टे आठ सीधे, छः उल्टे आठ सीधे, छः उल्टे आठ सीधे, ऐसे हम ऊपर बुनते जाएंगे और हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए डिज़ाइन में कितनी प्यारी प्लीट्स बन रही है, ऐसी फ्रॉक में आप जितना घेर चाहें उतना कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।